नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे जेपी पावर के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के बारे में। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए हैं, तो कैसे रहे इनके नतीजे उसके बारे में हम लोग डीप में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चर्चा करें जेपी पावर के रिजल्ट्स की और कैंडलस्टिक चार्ट के माध्यम से टारगेट प्राइस भी पता करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। चलिए दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ें। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द वीडियोस फॉर एजुकेशन इन्फॉर्मेशनल पर्पज ओनली। तो दोस्तों, अगर आपको ट्रेड लेना है तो अपनी सलाह लेने के बाद या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेने के बाद इन्वेस्टमेंट किया करें। चलिए दोस्तों, हम लोग सीधे मूव कर रहे हैं रिजल्ट्स की तरफ। यस दोस्तों, यहाँ पे देखिए अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्प्ले हो गए हैं। तो कैसे रहे नतीजे उसके बारे में देखते हैं। ये यहाँ पे स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स हैं। ये फिगर दोस्तों लैक्स में दी हुई है। सबसे पहले दोस्तों देखिए टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू 92635 की रही, जो कि अगर हम लास्ट क्वार्टर से देखें तो स्लाइटली डिक्रीजिंग है, लेकिन दोस्तों लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखिए तो लगभग लगभग कह सकते हैं कि 40% के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों, इस बार जो टोटल एक्सपेंसेस हुए हैं वो 91916 के हुए हैं, तो जो प्रॉफिट रह गया है बिफोर टैक्सेस वो 719 के है, जो कि दोस्तों लास्ट क्वार्टर देखें तो वहां से कम है, और लास्ट ईयर देखें तो वहां से भी काफ़ी कम है। वहीं पे दोस्तों, अगर हम प्रॉफिट यहाँ देखिए एक्सेप्शनल आइटम भी जोड़ लीजिए तो यहाँ से काफ़ी डिक्रीजिंग नज़र आता है प्रॉफिट। वहीं पे दोस्तों, अगर हम टैक्सेस और निकाल दें तो 41452 के प्रॉफिट हुए हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर दोनों से काफ़ी कम है। तो उसकी दोस्तों अगर देखिए तो यहाँ से कहीं ना कहीं अब जो अर्निंग पर शेयर हैं वो भी रिड्यूस होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अर्निंग पर शेयर रिड्यूस हो चुके हैं, 0.003 के हो चुके हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर से काफ़ी कम है। तो दोस्तों, रिजल्ट थोड़ा सा कह सकते हैं सेटबैक है, लेकिन दोस्तों अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी अच्छा कर रही है। तो अभी दोस्तों, चूंकि पेनी स्टॉक है तो इसमें मेरी सलाह यही होगी कि शॉर्ट टर्म के लिए एग्जिट कर जाएं, और जब ये दोबारा यहाँ पे करीब अगर आपका डिप मिले 3 रुपए के आसपास, तो फिर से प्रेस प्रेस फ्रेश पोजीशन बनाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये थी एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक से जरूर जुड़ें। थैंक यू दोस्तों।